कोई ऐसा आदमी पकड़ो जिसने उस फील्ड में 5, 6, 7, 8, 10, 15 साल निकाले और उससे सीखो और कंटिन्यूसली सीखते रहो। उसने अपने इनिशियल स्टेजेस में क्या किया था, वो पैटर्न्स देखो, वो सीखो, वो पैटर्न्स को फॉलो करने की कोशिश करो। उसके बाद वो करंटली क्या कर रहे हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, उस ड्यूरेशन में उनका माइंडसेट कैसा था, उनसे सीखो और वो अप्लाई करते जाओ। तुम्हारे उस जर्नी में तुम्हें वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुम शायद पहले 100 वीडियोस बनाओगे तो तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं। तुम शायद अपनी पहली टी शर्ट वो डिज़ाइन करके पोस्ट करोगे इंस्टाग्राम या अपनी वेबसाइट पे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। वो सेटबैक है, पर वो सेटबैक है, इट्स ओके। हमें हमारे सेटबैक से सीखना है, उसका काम ही वो है। एक एक वो मुझे पता नहीं वो आदमी का नाम क्या है, पर वो बोलता है, मैंने यूट्यूब पे देखा था उसको बहुत पहले, काफ़ी वायरल वीडियो है वो। शायद वो बोलता है ना, वर्क 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 फेल बट आई एम अ लिटल बिट बेटर, वर्क 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 आई फेल बट आई एम अ लिटल बिट बट आई एम अ लिटल बिट बेटर, वर्क 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 आई फेल बट आई एम अगेन अ लिटल बिट बेटर, वर्क एंड बूम क्या हुआ, ओवरनाइट सक्सेस। काम नहीं छोड़ा आपने अपना, आपने अपने डेली टास्क करने शायद नहीं छोड़े, आप इम्प्रूव करते गए डे बाय डे, अपनी गलतियों से सीखते गए कि क्या क्या, और साथ ही साथ चेंज करते गए। वन डे यू विल गेट देयर, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। और वो रियलिटी है जिस इंसान ने हमेशा अपना 101% रोज दिया है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसने अपनी जी जान लगा दी है हर एक दिन कुछ ना कुछ करके। शायद उसकी तबीयत उस दिन पूरी घिसी हुई क्यों ना हो, पर फिर भी उसने उस हालत में अपना बेस्ट देने की कोशिश की है टूवर्ड्स हिज ड्रीम्स, तो उसको कौन रोकने वाला है भाई, कौन? कोई भी नहीं। कर लोगे अचीव तुम, बस अपने आप पे उतना भरोसा रखो और उस भरोसे के साथ साथ रोज छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क करना शुरू करो टूवर्ड्स योर ड्रीम। देखो आप यहाँ तक आ गए हो, आपने ये वीडियो खोला है, तो इसका मतलब क्लियर है दैट यू वांट टू इम्प्रूव, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप एक्चुअली अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी एक स्टेप अहेड हो। आप सिर्फ सोच नहीं रहे हो, आप तरीके ढूंढने लगे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरे ड्रीम्स अचीव करने के लिए। बहुत बड़ी बात है वो, और इसी तरह से आपको स्टेप्स लेते रहने हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच में कन्वर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। क्योंकि पूरा दिन तो अगर मैं सिर्फ सोचता रहूँगा या तो उनके बारे में सपने देखते रहूँगा, मेरे गोल्स या ड्रीम्स, तो वैसे तो काम होगा नहीं ना। किसी बाबा गुरु वगैरह ने, किसी ने शायद आपको बहुत पहले बोल दिया हो कि नहीं ये तो बहुत बड़ा बिजनेस करेगा, तो वो सिर्फ वो सोच सोच के तो आप लेटे नहीं रह सकते हो ना पूरे दिन। सो यू नीड अ प्रैक्टिकल अप्रोच, कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए क्या है। तो इस डायरेक्शन में आज हम कंप्लीटली बात करेंगे और समझेंगे कि आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो अपने गोल्स या ड्रीम्स या सपनों, आप जो उसे कहना चाहते हो, उसे प्रैक्टिकल वे में कैसे अप्रोच करें। सबसे पहले ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना गोल या ड्रीम एक क्लैरिटी के साथ सोच सकते हो या नहीं, वो पूछना अपने आप से। सिर्फ इतना कह देना कि मुझे बड़ा काम करना है कुछ, इज़ आई थिंक समटाइम्स नॉट इनफ। बट वो क्लैरिटी लानी कि वो बड़ा काम किस एरिया में आपको करना है, कि अच्छा मुझे अगर कोई डॉक्टर बनना है, मुझे क्रिएटर बनना है, मुझे इस फील्ड में एक बड़ा बिजनेस खोलना है, तो वो क्लैरिटी लाना, पता लगाओ कि वो क्लैरिटी कहाँ से आएगी। पता लगाओ कि आपके अंदर की जो आग है वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा जा रही है। कि मुझे, जैसे मुझे क्रिएट करना बहुत पसंद है, तो किसी के लिए वो चीज़, कोई एक्टर बनना हो सकता है, डॉक्टर बनना हो सकता है, किसी को वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बनना है, किसी को F1 ड्राइवर बनना है। तो आइडेंटिफाई करो कि आपका पर्पस क्या है और
क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा, क्या चीज़ आपके अंदर की आग बहुत ज़्यादा फ्यूल कर रही है बेसिकली। और सोचो कि आपके लिए सक्सेस इन फ्यूचर कैसा है। किसी के लिए बहुत बड़ा कोई विला, बंगलो, महल हो सकता है, 50 गाड़ियाँ हो सकती है। किसी के लिए सिर्फ अपनी फैमिली को खुश रखना, उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करना जो उन्हें शायद ना मिलता हो, वो हो सकता है। तो सोचो कि आपके लिए सक्सेस क्या है। आप अपने आप को 10 साल में कहाँ देखते हो। अबे ना, जब भी हम हमारे ड्रीम्स की बात करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवरवेलमिंग लगता है। ओवरवेलमिंग यानी कि वो, बाप रे, कि इतना बड़ा मैंने सोच लिया, अब मैं ये करूँगा कैसे। दैट इज़ ओवरवेलमिंग कि भाई इतना तो मैं कैसे कर लूँगा। वो ओवरवेलम कर रहा है तुम्हें, मतलब ठीक है, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, अच्छी बात है, बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही होने चाहिए शायद। तो जैसे ही आपके पास एक क्लियर विजन आ जाए ना, और वो आपको शायद अगर ओवरवेलम करना है ना, अगर वो शायद आपको ओवरवेलम कर रहा है ना, तो इट इज़ टाइम टू टेक स्मॉलर स्टेप्स नाउ टूवर्ड्स दैट विजन। कि जैसे क्या कि छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क कर दिए हमने हमारे विजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है। अब मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, वो मेरा विजन हो गया। अब मैं इसको एक छोटे छोटे टास्क में कैसे डिवाइड करूँगा, तो क्या क्या स्टेप्स मैं उस डायरेक्शन में ले सकता हूँ। सबसे पहले तो हम वो क्लैरिफाई करना शुरू करेंगे। पेन लो, पेपर लो या नोटबुक लो, लिखना शुरू करो कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। मुझे मशीन्स चाहिएंगे, शायद मुझे स्टाफ चाहिए होगा। अगर मैं थोड़ी बड़ी जगह खोल रहा हूँ तो मुझे खाने का सामान क्या क्या चाहिए होगा, मेरे डेली खर्चे क्या क्या हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या मंथली खर्चे क्या क्या हो सकते हैं। मेरा रेंट जा सकता है, मुझे रोज़ सब्जियां चाहिए होंगी, मेरी हर चीज़ का रेंट बेसिकली, इलेक्ट्रिक आ गया, ज़मीन का आ गया, अगर बिल्डिंग का पानी का है तो वो पानी का आ गया, सारी चीज़ें लिस्ट डाउन की। अब वो लिस्ट डाउन करने के बाद उन सारी चीज़ों को भी अलग अलग बाइफर्केट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हो गया, अब सबसे पहले ज़मीन चाहिएगी, तो उसको और छोटे टास्क में कैसे डिवाइड करेंगे। हम ज़मीन ढूंढने निकलेंगे, कोई जगह जो खाली है रेंट के लिए, अवेलेबल है, वो हम ढूंढने निकलेंगे। तो जो भी छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क है टूवर्ड्स ओपनिंग अ रेस्टोरेंट या तो फिर अ क्लाउड किचन, वो करना शुरू करो। एंड दिस गोज़ फॉर आपका जो कुछ भी ड्रीम है उसके लिए। वही जैसे क्या कि करियर फील्ड वाला काइंड ऑफ थोड़ा इजी टू वो परस्यू हो जाता है, क्योंकि अगर डॉक्टर बनना है तो ऑलरेडी पूरे देश ने बता के रखा है कि आप डॉक्टर कैसे बन सकते हो। आपको पढ़ाई करनी है, 12th के बाद ये एग्ज़ाम देनी है, इन 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 कॉलेजेस में आप जा सकते हो, उसके बाद एक आप करियर फील्ड पिक कर सकते हो। तो क्या हो गया कि डॉक्टर बनना मेरा सपना था, और वो छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में डिवाइड हो गया। अब सेम गोज़ फॉर सारे बिजनेसेस। अगर आपको एक्टर बनना है तो उसके लिए भी क्या है, मुझे एक्टर बनना है, ओके, अब मैं एक्टर कैसे बनूंगा। मैं छोटे छोटे टास्क करना शुरू करूंगा डेली। मैं अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लूँ, या तो मैं कोई थिएटर ज्वाइन कर लूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कैसे भी करके अपना बेस्ट देना शुरू करूँ, अपने आप का ख्याल रखना शुरू करूँ, अपने ग्रूमिंग पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू करूँ। तो धीरे 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 छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क टूवर्ड्स योर ड्रीम। और आपके जो मैनेजेबल टास्क हैं ना, वो थोड़े फ्लेक्सिबल तो होने चाहिए, क्योंकि अब जैसा सोचोगे वैसा हर बार आपके साथ तो होगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे सिचुएशन को अडाप्ट करके पिवट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि आपने तो अपने टास्क लिख लिए, जैसे मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो कल ले लूँगा, पर कोई स्कोप ही नहीं था मेरे पूरे दिन के शेड्यूल में कि मैं ये वीडियो कल ले पाता। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं 7 बजे बैठ के ये वीडियो ले रहा हूँ। तो बी ओपन, बी मतलब अडेप्टेबल, के समझो कि आपके टास्क में कुछ ना कुछ अड़चन आ सकती है, तो पिवट, और कुछ नहीं, रास्ता मिल जाएगा। अगर आपको करना है तो रास्ता मिल जाएगा आपको। अब क्या होता है ना कि फिर से मैं डिसिप्लिन की तो इतनी ज़्यादा बात करता हूँ, बट डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो। पिछले वीडियो में जैसे मैंने डिसेक्सुअलाइज और ब्रेन की बात की थी, वो हो गया, या तो उसके पहले का वीडियो हो गया, या उसके पहले के बाकी के शायद 150 वीडियोज़ हो गए। तो यार
ये तो आपका ड्रीम है भाई, अगर यहाँ पे तुम डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कर दोगे तो कहाँ से अचीव करोगे कुछ भी। स्टेइंग फोकस्ड, बी डिसिप्लिन्ड, ये अलग बात है कि यार आप बीमार हो गए हो या आपके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए तो ऑब्वियसली यू नीड ब्रेक्स, तुम्हें ब्रेक की ज़रूरत होती है, पर वो ब्रेक भी आपको ये सिखा के जाते हैं कि ठीक है तूने आराम कर लिया, तेरा दिमाग अब थोड़ा बेटर फंक्शन कर रहा है, तो अब सोच तू क्या कर सकता है आगे और तू किस तरह से ऐड ऑन कर सकता है या क्या चीज़ तुझे चेंज करने की ज़रूरत है अब, समझ रहे हो। तो स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन, और उसके साथ साथ आते हैं सेटबैक्स। ड्यूरिंग सेटबैक्स ऑल्सो यू हैव टू स्टे फोकस्ड एंड बी डिसिप्लिन, क्योंकि हर महीने या तो फिर तुम्हारे उस जर्नी में तुम्हें वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुम शायद पहले 100 वीडियोस बनाओगे तो तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं, तुम शायद अपनी पहली टी शर्ट वो डिज़ाइन करके पोस्ट करोगे इंस्टाग्राम या अपनी वेबसाइट पे तो कोई खरीदेगा भी नहीं, वो सेटबैक है, पर वो सेटबैक है, इट्स ओके, हमें हमारे सेटबैक से सीखना है, उसका काम ही वो है। एक एक वो मुझे पता नहीं वो आदमी का नाम क्या है पर वो बोलता है, मैंने यूट्यूब पे देखा था उसको बहुत पहले, काफ़ी वायरल वीडियो है वो, शायद बोलता है ना वर्क 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 फेल बट आई एम अ लिटल बिट बेटर, वर्क 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 आई विल फेल बट आई एम अ लिटल बिट बट आई एम अ लिटल बिट बेटर, वर्क 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 आई विल फेल बट आई एम अगेन अ लिटल बिट बेटर, वर्क एंड बूम क्या हुआ, ओवरनाइट सक्सेस। काम नहीं छोड़ा आपने अपना, आपने अपने डेली टास्क करने शायद नहीं छोड़े, आप इम्प्रूव करते गए डे बाय डे, अपनी गलतियों से सीखते गए कि क्या क्या, और साथ ही साथ चेंज करते गए, वन डे यू विल गेट देयर, कोई नहीं रोकने वाला है आपको, और वो रियलिटी है जिस इंसान ने हमेशा अपना 101% रोज दिया है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसने अपनी जी जान लगा दी है हर एक दिन कुछ ना कुछ करके, शायद उसकी तबीयत उस दिन पूरी घिसी हुई क्यों ना हो, पर फिर भी उसने उस हालत में अपना बेस्ट देने की कोशिश की है टूवर्ड्स हिज ड्रीम्स, तो उसको कौन रोकने वाला है भाई, कौन, कोई भी नहीं, कर लोगे अचीव तुम, बस अपने आप पे उतना भरोसा रखो और उस भरोसे और उस भरोसों और और उस भरोसे के साथ साथ रोज छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क करना शुरू करो टूवर्ड्स योर ड्रीम। वो होता है ना कि एन आइडिया डजन बिलोंग टू अ पर्सन हु थिंक्स ऑफ इट, द आइडिया बिलोंग्स टू द पर्सन हु एग्जीक्यूट्स इट, तो एक्शन टेकर बनो ठीक है प्लीज। अब उसी ड्यूरेशन में लेट्स गो वार्म अप हम गर्ल्स, वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, इजी नाइस। मैं टोटल 3 सेट लूँगा हर कल से, और क्योंकि वी आर फाइनल, हम हमारे कट के फाइनल वीक में फाइनली, और मुझे बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा है टू बी ऑनेस्ट, पर मुझे इस लास्ट वीक में कुछ भी मेरा बॉडी पार्ट तोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, सो गुड स्ट्रेंथ गुड पम्प और जस्ट ट्राइंग टू बी सेक्सी और ओके लेट्स गो। Oh shit. Slow, control, 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 control. 4.
ब्रीद, मर गया। जिस टाइम पर ये वीडियो अपलोड होगा ना, वो दिन मेरे कट का लास्ट दिन होने वाला है। आज मंडे है, दिस इज़ द फाइनल वीक ऑफ माई कट, फर्स्ट डे से शुरू करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में आई ऑल्सो ट्राई टू शो कि मैंने पूरे हफ्ते में क्या क्या किया, मेरा कैसा माइंडसेट था, हम क्या खा रहे हैं, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये जो मेरा करंट फिजिक है ना, दिस इज़ द बेस्ट आई एवर लुक्ड लीननेस के हिसाब से। और अगर बल्क की बात करें तो मैं बल्क के लिए बहुत से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कंसिडरिंग के एक और चीज़ मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं साकेत का बल्क देखता आ रहा हूँ, उसको 30 डेज प्लस हो चुके हैं। उसके बाद मैं मिहिर को देखता हूँ, ही 6 फिट, मैं भी 6 फुट का हूँ। तो मुझे 6 फुट पे इतना बॉडी वेट नहीं चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट। मैं और नीचे जा सकता हूँ, पर मेरा करंट बॉडी वेट ऑलरेडी 66.7 किलोज़ है, और अगर उस पे मेरे और मेरा मसल मास अराउंड 36-37 है मशीन के हिसाब से, और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 6.4 है, तो नेचुरली अब मैं शायद इससे ज़्यादा नीचे और नहीं गिरूँगा। और अगर गिर भी जाऊँगा तो मेरा बॉडी वेट और कम हो जाएगा, और मैं बहुत ज़्यादा अब मसल सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता हूँ उसके लिए। हम ऑलरेडी एस्थेटिक दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, काइंड ऑफ स्ट्रेंथ मेंटेन हो रही है, जो बहुत अच्छी बात है। अब और तो क्या चाहिए, है ना? तो जैसे ही बल्क शुरू होगा, इसके बाद वाला जो वीडियो अपलोड होगा, नेक्स्ट व्लॉग जो हमारा होगा, वो बल्क, हमारा बल्क तब तक स्टार्ट हो चुका होगा, और वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। ट्रस्ट मी, मैं बहुत ही स्लोली लेके जाने वाला हूँ पूरे बल्क को, और मैं एम कर रहा हूँ कि मैं 80-85 केजीज पे ना मस्कुलर दिखूँ। मुझे केविन लवरोन, मार्कस रूल ऐसा दिखना है, मास मॉन्सर बनना है मुझे, तो क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, कोई बात नहीं। वो तो बल्क, मेन बल्क वाले वीडियो के इंट्रोडक्शन में हम सारे हमारे वीक पॉइंट्स और स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे, बट आज फोकसिंग ऑन अ वेरी गुड पंप एंड मेंटेन एंड ट्राइंग टू मेंटेन अवर स्ट्रेंथ। 60 kg हैमकल से फेलियर रेप्स, एक और सेट 55 kg से करेंगे, एंड उसके बाद हम मूव करेंगे RDLs पे, 2 सेट RDLs के और लास्ट में 2 सेट हिप थ्रस्ट के। लेट्स गो एंड लेट्स कीप मूविंग। चलो लेट्स गो। Good set. Amazing set. ऐसे क्लोजअप वीडियोस देख के ना मुझे बहुत मज़ा आता है, ऐसे वीडियोस लेने में भी और शो करने में भी, कि यू गेट टू नो कि जो पेन हो रहा था है ना हर एक रेप में, वो कैसा तुम्हारे चेहरे पे एक्सप्रेस होता है। और अगर वो तुम एक्सप्रेस कर रहे हो, दिख रहा है ना, मतलब यस, योर सेट इज़ प्रीटी डिफिकल्ट। ये तो काफ़ी था, उसकी मूविंग। आपको बहुत बार फील होगा कि मैं अकेला तो सब नहीं कर सकता हूँ ना, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी अराउंड पीपल जो सपोर्टिव है, जो आपका ड्रीम या गोल समझते हैं। क्योंकि जिस जिस पॉइंट पर शायद आपको कोई सेटबैक आया, या आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, या आपका बिजनेस, या तो आपके जो छोटे गोल्स डेली, आप डेली स्टेप्स जो ले रहे हो, वो उस तरीके में वर्क नहीं कर रहे, बहुत जाहिर बात है आपको थोड़ा डीमोटिवेटेड फील हो सकता है, तो उस पॉइंट पे आपके जो बिगेस्ट सपोर्टर्स हैं, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, या कोई और जो सेम इंडस्ट्री से हो सकता है, जिसको आप बहुत मानते हो, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी सराउंडेड बाय दोज पीपल ओनली, क्योंकि जब आप इतना काम करते हो ना, लोग सवाल भी बहुत करते हैं बाहर से, और वो उनके सवाल आपकी ओवरथिंकिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं।
तो अपने कान बंद, आवाज़ सुननी है सिर्फ यहाँ से, और अपने घर वालों, दोस्तों या जो कोई भी आपके सपोर्टर्स हैं उनसे। इस जगह पे ना कोई मेंटोर भी बहुत काम आता है, जो सेम फील्ड में रह चुका हो पहले या अभी भी सेम फील्ड में काम कर रहा है, क्योंकि वो लोग आपको एक क्लियर गाइडेंस दे सकते हैं कि हाँ भाई देख, दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट, कि लोग सुनाते हैं, लोग बोलेंगे, ताने भी मारेंगे, बट जस्ट स्टे फोकस्ड। ऐसे वो घोड़े के लगा होता है ना यहाँ पे दोनों साइड, वैसे रख के सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो और तुम कर लोगे। पूरी जर्नी में ना, अब मैं इतना बोलता हूँ कि काम करो काम करो काम करो, अपना 101% दो, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सेल्फ रिचार्ज भी करो, क्योंकि मैंने नोटिस किया है पास्ट में, मैंने एक बिजनेस रन किया है 3-3.5 साल तक, तो भाई सेल्फ रिचार्ज यानी कि भाई मोबाइल रिचार्ज हंसी सॉरी, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी कैसे वापस बनाए रखो अगले दिन के लिए। क्योंकि जब मैं करता था, मैं ऐसा ही था, मैं बहुत ही ज़िद्दी था, मुझे पूरे दिन पूरी रात काम करना अच्छा लगता था, फिर लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि 1 महीने के बाद मेरी जो बैटरी उड़ गई पूरी की पूरी, मैं बीमारी हो गया था सीधा, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा काम कर लिया था। तो शुरू से ही ये चीज़ आपके लिए एडवांटेज, मैं दे रहा हूँ आपको ये सारे एडवांटेजेस, क्योंकि ये बातें आपको कोई नहीं बताने वाला है जल्दी से, और ये सारी बातें ये पीछे जो पड़ी है ना, उनमें से अलग 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 निकाल के मैं बता रहा हूँ आपको, और जो मैंने अप्लाई किया है वहाँ से अलग अलग निकाल के बता रहा हूँ। तो शुरू से ही जो आपके, अगर आपको लग रहा है कि आपके डेली टास्क आपने बहुत ज़्यादा लिख दिए हैं या आप उनको दिन में ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, तो ओके समझो कि वो उस दिन आपने शायद अपना 100% दिया फिर भी ख़त्म नहीं हुए आपके सारे टास्क, तो समझो कि ओके आपको ज़्यादा टाइम ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है इतना सारा करने के लिए। तो आप कैसे स्मार्टली ब्रेक्स ले सकते हो, इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रह सकते हो, क्योंकि मैं कैसा करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जब भी दुकान में या तो फिर एडिटिंग करने बैठता हूँ यहाँ पे, तो मैं 25 मिनट काम करता हूँ फुल फोकस, नो डिस्ट्रैक्शंस, उसके बाद 5 मिनट मैं रूम के बाहर या तो दुकान के बाहर निकल जाऊँगा, फ़ोन नहीं देखूँगा, कुछ नहीं करूँगा, फ़ोन में सिर्फ एक 5 मिनट का टाइमर लगा के चला जाऊँगा, और मैं बाहर वॉक करता रहूँगा, कुछ नहीं और, कि मैं दूर हूँ इस जगह से या तो नीचे से, और मैं थोड़ी एनर्जी 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 रीफोकस, अच्छा फील हो रहा है, ओके कम बैक टू वर्क, वैसे ही। ये चीज़ आप पढ़ाई में भी कर सकते हो बाय द वे, सुपर यूज़फुल सुपर यूज़फुल। 25 ना सही तो आप 50 और 10 का भी कर सकते हो, 50 मिनट आपने पढ़ाई की, 10 मिनट आप ब्रेक ले रहे हो। तो हाँ, एनर्जी बचा के रखो, देखो किस एक्टिविटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर आपने 1 हफ्ता 2 हफ्ता बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो आउट एंड हैव फन अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा मज़ा कर लिया, आधा एक घंटा मज़ा आ गया, माइंड फ्रेश हो गया बहुत, घर जाओ सो जाओ, कल बैंग ऑन मोर वर्क। कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग, जब भी हम कोई बिजनेस या मोस्टली तो बिजनेस में ये चीज़ होती है, जब भी हम कोई बिजनेस या हमारा ड्रीम परस्यू करने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसा मत समझ लो कि मुझे सब आता है इस फील्ड में, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, भाई हार गए हो आप ऑलरेडी वहाँ पे, आप नहीं कर पाओगे उस वजह से। मैं तो इस बात में इतना ज़्यादा मानता हूँ कि भाई ऑलवेज़ ऑलवेज़ बी अ लर्नर, कोई ना कोई कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा सकता है, आपको नहीं पता, वो शायद आपका कोई कस्टमर भी हो सकता है, वो आपको कुछ सिखा के चला जाएगा या एक छोटी सी बात बोल के चला जाएगा जो आपका पूरा क्वार्टर चेंज कर सकती है। तो ऑलवेज ऑलवेज बी अ लर्नर, फीडबैक्स के लिए हमेशा ओपन रहो, समझो कि लोगों को क्या फीडबैक, लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं, उनसे समझो, आप कुछ चेंज ला सकते हो अपने बिजनेस या अपने ड्रीम में उस हिसाब से, तो देखो कुछ ला सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बकवास कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मुझे एक्चुअली इससे थोड़ा ज़्यादा पता है, तो ओके, तो उस आदमी की बात मत सुनो, बट ऑलवेज बी अ लर्नर। कोई ऐसा आदमी पकड़ो जिसने उस फील्ड में 5, 6, 7, 8, 10, 15 साल निकाले, और उससे सीखो और कंटिन्यूसली सीखते रहो,
उसने अपने इनिशियल स्टेजेस में क्या किया था, वो पैटर्न्स देखो, वो सीखो, वो पैटर्न्स को फॉलो करने की कोशिश करो। उसके बाद वो करंटली क्या कर रहे हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, उस ड्यूरेशन में उनका माइंडसेट कैसा था, उनसे सीखो और वो अप्लाई करते जाओ, डे इन डे नाइट अप्लाई। अगर इफ़ यू डोंट पुट इन द वर्क ना, तो कुछ नहीं होने वाला। ये आप सुन के चले गए, मैं बोल के भी चला गया, कुछ नहीं होगा। यू हैव टू पुट इन द वर्क तो ही होगा। सो दिस वॉज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू टेल यू हाउ टू अप्रोच योर ड्रीम्स, क्योंकि ये है सबसे पहले तो भाई आपके आप मैं फिर से एक छोटी सी मैं फिर से फटाफट आपको समझा देता हूँ बहुत छोटे में, कि हम क्या क्या कि हमने क्या क्या सीखा। आपका ड्रीम है, आपका पर्पस है, पता लगाओ कि आपके अंदर क्या चीज़ फायर इग्नाइट कर रही है। उसके बाद एक क्लैरिटी के साथ डिफाइन करो कि मैं अपने आप को 5-10 साल में, 5 या 10 साल में यहाँ देखता हूँ। पता चल गया कि मैं अपने आप को 5 या 10 साल में यहाँ देखता हूँ। उसके बाद टूवर्ड्स दैट 5 या 10 साल के एंड, उसके पहले के जो उसके पीछे का जो टाइम है सारा, मतलब कि अभी से वहाँ तक का, मैं क्या छोटे छोटे स्टेप्स ले सकता हूँ वहाँ तक जाने के लिए। वो छोटे छोटे स्टेप्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर वो आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाओगे ना, तो नहीं पहुंच पाओगे आप वहां तक। और अगर वो आइडेंटिफाई करने के बाद भी अगर वो स्टेप्स नहीं लोगे, तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। तो हैमस्ट्रिंग जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसे अपने बाइसेप की तरह ट्रीट करना शुरू करो। और वो जो आपका हैमस्ट्रिंग है ना, वो आपको आपके पैरों में एक बहुत ज़्यादा चंकीर लुक देगा। पीछे से जो पूरा ऐसे बल्ज होता है ना, हम सबको वैसा हैमस्ट्रिंग ज़्यादा पसंद है। कॉर्ड्स क्या होगा, लेग एक्सटेंशन जैसे तैसे करके घिसे पीटे लेग एक्सटेंशन अच्छे से लगा के आप कॉर्ड्स, डिसेंट कॉर्ड्स डेवलप कर लोगे। हैमस्ट्रिंग्स का क्या, बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। तो जितना अच्छा आप उसे कंट्रोल दे पाओगे, स्ट्रेंथ दे पाओगे, उतना ही अच्छा आपका पैर डेवलप होना शुरू होगा। क्योंकि अगर आपने मेरे सारे रेप्स देखे, मैं बहुत ही स्लोली वापस नीचे जाता हूँ। मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं मेरे हैमस्ट्रिंग्स को इन्फॉर्म करता हूँ कि भाई तू ट्रेन हो रहा है अभी और तुझे ग्रो होने की ज़रूरत है, तुझे स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तब जब भी किसी भी तरह का लेग कर्ल लगाओ, RDLs लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो जो वापस जाने वाली आपकी मोमेंट है वो बहुत स्लोली परफॉर्म करो। अच्छे से फील करो वहाँ पे क्या चल रहा है, बर्न महसूस करो। और जैसे ही आपको बर्न होना शुरू हो जाए ना, एम करो कि आप अपनी घिसा के 5 रेप और लगाने की कोशिश करो। दैट इज़ व्हेन यू विल स्टार्ट डेवलपिंग गुड हैमस्ट्रिंग्स। और बस साथ ही साथ ध्यान भी रखो कि सेफ रहो। और तो क्या, वेट ऐसा पिक करो कि जिसमें आप अच्छे से शायद 6 से 15 रेप की रेंज में फेल हो पाओ अच्छे से। क्योंकि मैं सेफ्टी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ अभी, तो मुझे लगा कि मैं RDLs और सेफर तरीके से कैसे लगा सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में है मशीन में क्या है हमारे पास, स्मिथ। इसमें एक इशू है कि यहाँ पे वो सेफ्टी लॉक्स लगे हुए, तो मैं बहुत नीचे नहीं जा सकता, मैं ये रखता हूँ। अब मैंने लास्ट सेशन जब भी ट्राई करके देखा था, आपने मेरी एक शॉट में या रील में देखा होगा, इट इज़ एक्चुअली प्रिटी डिफिकल्ट टू परफॉर्म दिस वे। चलो ओके, गुड स्ट्रेच, गुड। Oh, mommy. I think 6 more. Easy 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All right. Yeah. Good. मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ना इतना अच्छा लगता है, क्योंकि ओह माय गॉड यार, टच छोड़ो, मुझे कभी कभी गूज़बम्स आ जाते हैं। अभी अभी एक कमेंट पढ़ा मेरे पिछले वीडियो पे जो लिखा है, आई एम डैम श्योर इफ दिस पर्सन वर्क ऑन हिज एडिटिंग स्किल्स, आई एम गारंटी इज द नेक्स्ट बेस्ट यूट्यूबर आफ्टर साकेत।
इतना सही में इतना अच्छा लगा ना मुझे ये पढ़ के. काफ़ी सारे लोग कंपेयर करते हैं मुझे साकेत के साथ, और इतना ह्यूज कॉम्प्लीमेंट है वो मेरे लिए, मैं समझा ही नहीं सकता. बट दैट इज़ ना आई, बहुत अच्छा लगता है ये सब पढ़ के मुझे. ये चीज़ें मुझे और मोटिवेट करती है, क्योंकि मैं जितना ग्रो कर रहा हूँ, मैं जैसे ग्रो कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ सब लोग ग्रो करें. आई मीन दैट इज़ दी एंड गोल. मैं अब पता नहीं ये जर्नी कहाँ लेकर जाएगी हमें, बट एक चीज़ जिसके लिए मैं बहुत श्योर हूँ, दैट इज़ माई पेशेंस एंड मेरा फेथ मेरे काम पे और मेरे प्रोसेस पे. अगर आप देख रहे हो ये चीज़, तो पता है बहुत लोग शुरू शुरू में यूट्यूब या ऐसा कुछ भी अपना करियर या किसी भी तरह का कुछ और काम ना पैसों के लिए शुरू करते हैं, नंबर्स के लिए शुरू करते हैं. वो माइंडसेट एकदम गलत है. और अगर आप सिर्फ बहुत जल्दी जल्दी नंबर्स पाने के पीछे जाओगे ना, इवेंचुअली यू विल फेल. आपका वो कुछ बचेगा ही नहीं है आपके अंदर, क्योंकि इनर फायर, आपका जो पर्पस है, आपका जो वाई है, वो पता नहीं है. आप फेल होने लगोगे वहाँ पे. हाँ, तो मेरे लिए मेरा ये जो स्ट्रेंथ है वो मेरा पेशेंस है और मेरा फेथ है अपने आप पे और भगवान पे. शायद एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल, छः साल, सात साल, जल्दी किसको है. वो बोलते हैं ना, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि धीमी आँच पे पका हुआ खाना हमेशा ज़्यादा टेस्टी लगता है, रादर देन उसको अगर तुम जल्दी जल्दी बना के खा लोगे. तो मेरी जर्नी धीमी आँच पे पक रही है और मैं बहुत पेशेंस रखने वाला हूँ. लेट्स गो. बहुत बातें हो गई. हिप थ्रस्ट, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मशीन है पूरे जिम में, और बहुत सारे जिम्स में ये अवेलेबल नहीं होती, तो मज़ा आता है इस पर. थोड़ी टेढ़ी मशीन है, इसका बैलेंस उतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही कुछ वैसा है कि सिर्फ एक साइड वेट है. तो ये जो आप ये चीज़ देख रहे हो ना, ये यहाँ से पहले लिफ्ट होती है, क्योंकि ये दूर है, सारा वेट इस तरफ है, इसलिए ये लिफ्ट पहले यहाँ से होता है. तो मेरा लेफ्ट लेग पहले ऊपर जाता है, बाद में राइट आता है. लेट्स गो. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. चलो, दो ही सेट. आई मीन 30 kgs है, ठीक है, उसके बाद 45-50 kgs लेंगे. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व. इजी. ओके, जो अभी अभी कमेंट आया ना, मुझे फीडबैक लेना बहुत अच्छा लगता है. तो उसमें लिखा होता कि मैं मेरी एडिटिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकता हूँ और मुझे करनी चाहिए. दैट आई नो, मुझे कलर ग्रेड करना है मेरे वीडियोस को और ज़्यादा अच्छे से, बट मैं वहाँ पे लैक हो रहा हूँ. ठीक है, ये मेरा फ्लॉ है जो मैं एक्सेप्ट करते आया हूँ काफ़ी महीनों से, कि मुझे कलर ग्रेडिंग करना चाहिए. ईजी सेट, गुड सेट, लास्ट मोमेंट, और उसके बाद घर जाते हैं स्ट्रेच करके. इसको जिस भी मोमेंट में पेट पर प्रेशर आता है ना, उसके बाद सुसु आई जाती है. टी बार रोज वाला मशीन है, ये हिप थ्रस्ट वाला मशीन है, ये कुछ और भी था. हाँ, बेल्ट पहनता हूँ जब मैं स्क्वाट करते हो, कभी कभी तब सुसु आ ही जाती है. उस वक्त रोको मत, जाके आया करो. मैं अब जा रहा हूँ. फाइनल सर,
यू वर्सेस यू मैन, यू वर्सेस यू, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी नेगेटिव बात है ना, सबसे पहले तुम ही पढ़ रहे हो अंदर। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। इफ यू टेल योरसेल्फ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। लेट्स गो ऑन। चलो बढ़िया बात यह है कि इतने दिनों बाद भी मैं जिंदा हूँ, और मुझे मुझे थोड़ी मूछें ट्रिम करवा देनी चाहिए। मुझे लग रहा है मैं पिछले 4 दिन मंडे के बाद जो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया उसके बाद इतना हद से ज़्यादा बीमार हो गया। बहुत टाइम बाद मुझे काफ़ी फीवर आया और मेरा बॉडी ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा था 3 दिन तक तो कि यार टूट रहा हूँ मैं अंदर से बहुत ज़्यादा। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे कट के लास्ट वीक में ही होगा मेरे साथ, बट इट्स ओके मेरे ख्याल से, क्योंकि अब हुआ क्या था मुझे यूटीआई हो गया था। आई थिंक शायद बहुत लोगों को पता होगा यूटीआई क्या होता है, बहुतों को नहीं पता होगा यूटीआई क्या होता है। यूटीआई बेसिकली होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब मुझे कहाँ से हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं। ये यूजुअली फैलता ऐसे है कि अगर आप कहीं बाहर का वॉशरूम यूज़ करते हो तो देर आर चांसेस कि आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत ज़्यादा मत सोचना। तो अब इसमें बार बार ऐसा फील होता है तुम्हें कि तुम्हें कॉन्स्टेंटली सुसू करनी है बस। बहुत अर्ज होती है, वो प्रेशर फील होता है नीचे के भाई मुझे सुसू आइए। पर जब आप सुसू करने जाते हो तो आती कितनी है, सिर्फ पोलियो की 2 बूंद जितनी। और वो तुम्हें ऐसा ही लगता रहेगा बार बार कि भाई मुझे सुसू आइए, मुझे बस कुछ भी करके कहीं पर मुझे सुसू जाना पड़ेगा। और वो प्रेशर नॉन स्टॉप रहता है और उसके साथ साथ तुम्हारा पूरा बॉडी ना काइंड ऑफ स्टिफ हो जाता है, पूरे बॉडी में ऐसे अकड़न जैसी आ जाती है, तुम्हें फीवर आ जाता है। वो बहुत वर्स्ट बात होता है। आदमी के ना एक बार दोनों घुटने वगैरह सब छिल जाएंगे, हार्ट टूट जाएगा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो बोलेगा मैं ठीक हूँ। बट जैसे ही उसे बुखार आएगा ना भाई, उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई हो वैसा फील होने लगेगा उसे। तो जैसे ही मैं बीमार हुआ मैंने मेरी पूरी डाइट मेंटेनेंस कैलोरीज पे शिफ्ट कर दी। मैं डेफिसिट में उतना था नहीं वैसे, सिर्फ 50-40 कैलोरीज जितना फर्क था। बट बॉडी को अच्छी रिकवरी देने के लिए मैंने सोचा कि ओके दैट्स इट, मेंटेनेंस पे खाना पड़ेगा हमें। तो मैं तब से मेंटेनेंस पे खाता आया हूँ और इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा तब तक हमारा बल्क शुरू हो चुका होगा। और बल्क जो होगा वो नहीं, अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं बल्क के बारे में, वो उस वीडियो में ही हम सारी बात करेंगे। और अगर तुम लोगों से कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है मुझे तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरा एक वीडियो काफ़ी वायरल हो गया, काइंड ऑफ दूसरा भी वायरल हो गया, टचवुड। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था या खुशी फील नहीं कर पा रहा था उसके लिए, क्योंकि मुझे पता था, मैं देख पा रहा था कि ये चीज़ होगी मेरे साथ। तो मैं बहुत कंटेंट था, मैं काम हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मुझे बहुत काम फील हो रहा था, अच्छा फील हो रहा था ऑब्वियसली, पर खुशी के मारे ये भी नहीं कि दुनिया हासिल कर ली मैंने, ऐसा कुछ नहीं। अगर मेहनत की है तो उसका फल मिलेगा आपको, और कुछ नहीं। तो अब आप फॉलो नहीं करते हो तो जाके देखो कौन सा वीडियो था वो, देयर आर चांसेस के शायद अब तक आप लोगों ने देख भी लिया होगा वो। सो दैट इज दैट। अच्छा जा रहा है सब, आई मीन टच वुड, मेहनत है और खुद पे भरोसा और भगवान पे भरोसा है, और तो क्या। तो चलो अब नहाने जाता हूँ, बाद में बात करते हैं फिर से। और मुझे थोड़ा ट्रिम कर लेना चाहिए, नहीं अच्छा लग रहा उतना शायद। लेट्स सी। छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क लिखो, हर दिन बनाना शुरू करो वो सारी की सारी चीज़ें। बी ओपन टू चेंज, बी ओपन टू फीडबैक्स, बी डिसिप्लिन्ड, स्टे फोकस्ड, डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, सेटबैक्स एंड सक्सेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जर्नी। मैं बहुत ही कंटेंट फील करता हूँ हमेशा जब भी मेरा कोई काम अच्छा परफॉर्म करता है, तो क्योंकि मुझे पता है कि ये सक्सेस और मेरे कुछ कुछ सेटबैक्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वर्क आई पुट इन। मैं खुश बहुत होता हूँ
पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा काम करना छोड़ दूँ, राइट? वो मेरे छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क तो मुझे रोज़ करने हैं, मैं वो नहीं करूँगा तो ये सारी चीज़ें अटक जाएंगी, है ना? तो ये सेटबैक्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्रोसेस, उनसे सीखो और उनसे आगे बढ़ो, दैट इज़ इट। फाइंड अ मेंटर, टेक सपोर्ट, हेल्प मांगने में बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, और जो कुछ भी चीज़ें आपके मेंटल वेलबींग को हेल्दी बनाए रखती है, जो कुछ भी चीज़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों के साथ जाके मौज मारो जैसा मैंने पहले कहा था, जो कुछ भी चीज़ें आपके मेंटल वेलबींग को अच्छा मतलब स्टेबल रखती है, वो चीज़ें करते रहो। टेकिंग रेस्ट इज़ अ गुड थिंग, बुरी बात नहीं है आराम ना करना, क्योंकि जब आप आराम करोगे, ये क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप आराम करोगे तभी आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे और आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे उसके बाद। आई रियली होप इस वीडियो ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया हो, आपको आपकी आंखें थोड़ी खोल दी हो कि ऐसा होता है, मैं इस तरह से स्टेप्स ले सकता हूँ और मुझे इस तरह से स्टेप्स लेने ही चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कोई भी आप फील्ड पिक कर रहे हो ना, उसके बारे में स्टडी करो, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस फील्ड में आप जा रहे हो ना उसमें इस तरह से घुसो कि भाई मैंने इतना पढ़ लिया है, इतना ज़्यादा पढ़ लिया है कि मुझे सब पता है इसके बारे में, बट स्टिल आई एम ओपन टू लर्न। इतनी रिसर्च करो, देखो 100 अलग अलग लोगों को फिगर आउट करो कि वो क्या कर रहे थे इसमें, क्या कर रहे हैं ऑलरेडी, उन्होंने क्या किया था जिनसे, उन्होंने क्या किया था जिससे उनको सक्सेस मिली यहाँ पे। सब पढ़ो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। डू योर ओन रिसर्च और उसके बाद बाहर से अलग अलग रिसर्चेस पढ़ना शुरू करो। आई रियली होप आपको पता चला हो कि हाउ यू कैन प्रैक्टिकली चेज योर ड्रीम्स और अचीव योर ड्रीम्स। यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, और हम मिलेंगे जल्दी।